हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लुक, मैं एक सिरामिक इंजीनियर हूँ जिसका चैनल का नाम है सिंपली अबाउट द टाइल्स। तो हमेशा कोशिश रहेगा सिंपल वे में आपको टाइलों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में आज के डेट में एक स्पेशल कैटेगरी टाइलें आपको मार्केट में मिलेगा जिसका साइज़ है 2.5 फीट बाई 8 फीट के बड़े बड़े स्लैब्स में आपको विट्रीफाइड बेस बॉडी में आपको टाइलें मिलेगा। मैं इस स्पेशल कैटेगरी के टाइलों के बारे में आपको ब्रीफ करूंगा, किस टाइप के डिज़ाइंस में आपको मिलेगा, खास करें टाइलों को कहां पर यूज़ करना सुटेबल रहेगा, इसका क्या क्या एडवांटेजेस रहेगा, साथ में आपको इसमें किस टाइप के डिज़ाइंस ऑप्शन आपको अवेलेबल है और आपको कॉस्टिंग कितना रहेगा, आपको टेंटेटिवली उसके बारे में आइडिया देने के लिए कोशिश करूँगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जब भी नए वीडियो बनाऊँ तो डायरेक्ट आपके पास पहुँचे। आज के डेट में अगर आप टाइल मार्केट में जाएंगे फ्रेंड्स, तो आपको 2.5 फीट बाई 8 फीट के बड़े बड़े स्लैब्स में जो है आपको डिजिटली प्रिंटेड हाई क्वालिटी के विट्रीफाइड टाइल का एक सेक्शन मिलेगा जो स्पेशली स्पेशल कैटेगरी टाइल है जो स्पेशली बनाया हुआ है किचन काउंटर टॉप के लिए या तो टेबल टॉप के लिए, फ्रेमिंग के लिए। जैसे अगर आप विंडो फ्रेमिंग करना चाहते हो, डोर फ्रेमिंग करना चाहते हो, अदरवाइज आप एलिवेशंस के लिए आपको यूज़ करना है, या तो अगर आप एक ड्यूरेबल और एक बेस्ट ऑप्शन अगर आप स्टेप्स और रेजर्स के लिए आप यूज़ ढूंढ रहे तो आप बिल्कुल ये टाइलों को स्टेप्स और रेजर्स के लिए भी आप बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी मल्टीपर्पज़ एप्लीकेशन एरे के लिए टाइलों को बनाया हुआ है। अगर देखिए इन शॉर्ट अगर मैं बताऊंगा तो ग्रैनाइट और मार्बल के रिप्लेसमेंट में ये टाइलों को बनाया हुआ है। देखिए जैसे टेक्नोलॉजी में नया नया अपग्रेडेशन हो रहा है तो उस हिसाब से आज के डेट में मार्केट में भी जो काफ़ी सिरामिक इंडस्ट्री में भी काफ़ी अलग अलग टेक्नोलॉजी में टाइलें बन के एक अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग कंपनी में आपको एक स्पेशल कैटेगरी की टाइलें आपको मिलेगा। देखिए जब भी हम लोग कोई भी चीज़ का रिप्लेसमेंट के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए आपको हमेशा दो चीज़ों को ध्यान रखकर ही हम लोगों को टाइलों को परचेस करना पड़ता है। एक तो उसका ड्यूरेबिलिटी कितना है करके, और सेकेंड जो होता है उसका कॉस्टिंग, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी और कॉस्टिंग दो मेजर फैक्टर रहते हैं जिसके ऊपर हम लोग टाइलों को एज ए उसका ऑप्शन ले या ना ले उसके ऊपर हम लोग जो है डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको ड्यूरेबिलिटी अगर मैं बात करूंगा इन टाइलों का, तो देखिए जैसे मैं आपको इनिशियली बता रहा था एक स्पेशल कैटेगरी के टाइल है करके। देखिए जब भी कोई भी कंपनी एक स्पेशल पर्पजेस के लिए एक स्पेशल कैटेगरी के टाइलों को बनाता है तो बनाने से पहले पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ताकि आज के डेट में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मटेरियल वो पर्पज़ के लिए जो मटेरियल जो यूज़ हो रहा है तो उससे भी एक बेहतर विकल्प आपको दे, उससे भी अच्छा एक बेटर ऑप्शन आपको दे, उस हिसाब से टाइलों को बनाया जाता है। तो अनडाउटफुली ड्यूरेबिलिटी जो रहेगा ये टाइलों का हमेशा आपको ग्रेनाइट और मार्बल से ज़्यादा ही रहेगा। देखिए आपको टेक्निकली बताऊंगा तो देखिए जो टाइलें आपको 2.5 फीट बाई 8 फीट में जो टाइलें आज के डेट में आपको स्पेशल कैटेगरी में मिलेगा फुल्ली विट्रीफाइड बॉडी है। विट्रीफाइड में क्या होता है कि इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होता है लेस देन 0.0 होता है। सिंपल में अगर मैं बताऊंगा तो देखिए जितना वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम रहेगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो स्ट्रेंथ वाइज मैं बताऊंगा तो अनडाउटफुली आपको ग्रैनाइट और मार्बल के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो डाउट ही नहीं है स्ट्रेंथ वाइज काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। एंड अगेन आपको लोड बियरिंग कैपेसिटी, आपको ये जो टाइलें आपको स्पेशली आपको 15 mm में आपको 15 mm के थिकनेस में मिलेगा जो एक लोड बियरिंग कैपेसिटी को कंसिडर करते हुए 15 mm के थिकनेस में टाइलें आपको मार्केट में मिलेगा जो बिल्कुल आप फ्रेमिंग के लिए जैसे मैं आपको बता रहा था किचन काउंटर टॉप हो गया, जो भी टेबल टॉप हो गया, फ्रेमिंग के लिए हो गया, आपको स्टेप्स और रेजर्स के लिए हो गया, आपको एलिवेशंस के लिए हो गया, काफ़ी मल्टीपर्पजेस में हम लोग इन टाइलों को बिल्कुल हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूँगा तो अनडाउटफुली वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल ऑप्शन रहेगा। देखिए सेकेंड अगर मैं बताऊँगा तो देखिए स्टेनिंग का, क्योंकि अगर खासकर जब भी हम लोग किचन काउंटर टॉप पर जो भी ऑप्शंस को अगर हम लोग ढूंढेंगे तो हमेशा हम लोग इसको ध्यान में रखकर चूज़ करते हैं ताकि वो स्टेन प्रूफ रहे करके। क्योंकि देखिए जब भी हम लोग किचन की अगर मैं बात करूंगा तो किचन में जो है खाना बनाते समय टर्मरिक हो गया जो भी चीज़ें अगर गिर जाएगा तो ऑब्जर्व ना करें, उस हिसाब से हम लोगों को ऑप्शन देखना पड़ता है। तो अभी जो मार्केट में 2.5 फीट बाई 8 फीट के जो अभी स्पेशल टाइल आपको मिलेगा 100% आपको स्टेन प्रूफ रहेगा, किसी भी तरीके का स्टेन को बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करेगा। टाइलों के ऊपर एक स्पेशल कोटिंग किया जाता है, उस वजह से अगर आपका कुछ भी गिरेगा टाइल सरफेस के ऊपर तो आप इजीली उसको साफ़ कर सकते हो, स्टेनिंग बिल्कुल आपको होगा नहीं। आपको थोड़ा सा लिमिटेशन की अगर मैं बताऊँगा तो देखिए हाई ग्लॉस में आपको टाइलें मिलेगा। देखिए अगर मैं मार्बल की भी बात करूँगा, ग्रैनाइट की भी बात करूँगा, या तो मैं टाइल्स की भी बात करूँगा तो हर एक चीज़ का
मैं डिसएडवांटेज नहीं बोल पाऊंगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं लिमिटेशन करके। तो जैसे मैं लिमिटेशन की बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अगर एब्रेशन अगर होगा टाइलों के सरफेस के ऊपर तो आपको थोड़ा बहुत स्क्रैचेस पड़ने का भी बिल्कुल चांसेस रहेगा। तो आपको एज ए किचन में अगर आप यूज़ करें तो अगर बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मल यूज़ होगा तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एब्रेशन होगा तो उसमें स्क्रैचेस आने का चांसेस रहेगा। इवन अगर आप ग्रैनाइट लगाएंगे तो भी उसमें भी आपको चांसेस हमेशा रहेगा, क्योंकि हर एक चीज़ का हमेशा एक लिमिटेशन होता है। सेकेंड, अगर मैं कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँगा तो देखिए आपको जो डिज़ाइंस आपको आज के डेट में स्पेशल करके टाइलों में आपको मिलेगा बहुत ही बेहतरीन, आपको जो इटालियन मार्बल के पैटर्न्स में, या तो अगर मैं ग्रेनाइट की अगर मैं बात करूँगा तो जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हाई क्वालिटी के प्रीमियम ग्रेड के जो ग्रेनाइट्स आपको मार्केट मिलेगा उस टाइप के फिनिशेस में आपको मिलेगा। देखिए क्या होता है कि ग्रेनाइट और मार्बल का क्या क्या, देखिए वो एक नेचुरली मिलने वाला चीज़ है, तो उसमें होता क्या है कि आपको कितना स्लैब्स आपको सेम डिज़ाइन्स मिलेगा उसका कोई वारंटी या तो गारंटी होता नहीं, क्योंकि वो सब नेचुरली मिलने वाला चीज़ होता है। टाइल की अगर मैं बात करूँगा तो जैसे मैं बताया था जो भी जो लिमिटेशन से टाइलों मार्बल में और ग्रेनाइट में उसको ओवरकम कर कर ये टाइलों को बनाया हुआ, तो आपको जो डिज़ाइंस और पैटर्न भी रहेगा, आपको डिज़ाइन पैटर्न की बात करूँगा तो देखिए डिजिटली प्रिंटेड होने की वजह से डेप्थ का जो क्लियरिटी है बहुत ही ज़्यादा हाई क्लियरिटी में आपको इटालियन मार्बल के पैटर्न्स में आपको मिलेगा। अगर आप इसी टाइप के डिज़ाइंस फॉर्मेट में अगर आप ओरिजिनल अगर आप इटालियन मार्बल को लेने के लिए जाएंगे तो जो कॉस्टिंग आपको समवेयर अराउंड 300 टू 350 के बीच में जो आपको इटालियन पैटर्न के एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस आपको मिलेगा, वही अगर मैं टाइलों की बात करूँगा तो आपको लगभग आपको 200 से आपको 220 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में आपको जो है ये टाइल आपको मार्केट में मिलेगा। एंड अगेन जैसे मैं आपको बता रहा था ग्रेनाइट में भी अगर आप देखेंगे तो जो आपको टेलीफोन ब्लैक हो गया, जो प्रीमियम ग्रेड की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए ग्रेनाइट में भी क्या है कि आपको एक लिमिटेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस आपको मिलेगा नहीं। एंड अगेन अगर कुछ एक्सक्लूसिव मिलेगा तो उसका भी जो प्राइसिंग आपको 180 200 220 में जो आपको मार्केट में मिलेगा उससे भी आपको हाई क्वालिटी के डिज़ाइंस में ड्यूरेबिलिटी में आपको ये जो टाइलें मार्केट में आसानी से आपको 200 रुपये से लेकर 220 225 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे हम लोग ग्रेनाइट और मार्बल को मोल्डिंग कर सकते हैं, चैम्फरिंग कर सकते हैं, सेम वे में आप टाइलों को भी हम लोग चैम्फरिंग कर सकते हैं और मोल्डिंग भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। प्राइसिंग की जैसे मैं बताया फ्रेंड्स, देखिए प्राइसिंग जो रहेगा हो सकता है कि 10 या 15 रुपये तो 20 रुपये का भी आपको लोकेशन टू लोकेशन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वेरी होने का बिल्कुल चांसेस होता है। तो मैं आपको एक टेंटेटिव आपको मैं प्राइसिंग का आइडिया मैं देने के लिए कोशिश किया। बेटर एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, अगर आपका देखिए बजट वाइज भी मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं है आपको ड्यूरेबल मटेरियल लें, अगर आप कुछ एक्सक्लूसिव अगर आप करना चाहते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन आपको डिज़ाइंस ऑप्शन में टाइलें मार्केट में मिलेगा, बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल आप ये टाइलों को यूज़ कर सकते हो। कोशिश किया फ्रेंड्स आपको जो नए कैटेगरी टाइल आपको आज के डेट में जो मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में आइडिया दूँ। कोशिश करता रहूँगा कि जो भी कुछ नया अगर एक्सक्लूसिव कुछ मटेरियल मिलेगा तो बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमेशा कोशिश करता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।